तो सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस अब विधायक दल की बैठक बुला रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल सुबह 11 बजे बुलाई गई है। पीसीसी में ये मीटिंग होने वाली है। कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायक यानी कि जितने भी 69 विधायक हैं वो एक मेज पर बैठेंगे सुबह 11 बजे पीसीसी में। गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि पीसीसी के अध्यक्ष हैं तो वो तो मौजूद होंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और बाकी सभी नवनिर्वाचित विधायक वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट भी होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा भी होंगे और इन तीनों की उपस्थिति में जो 69 विधायक कांग्रेस के चुनकर आए हैं वो मौजूद होंगे। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ गए सीधे। शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, इंतजार हो रहा था बीजेपी विधायक दल की बैठक का कि कब होगी, अभी तक उसको लेकर कोई जानकारी मिली नहीं है। लेकिन कांग्रेस भले सत्ता से बाहर हो गई हो लेकिन अब अपने विधायक दल की बैठक बुला रही है, हार पर तो चर्चा होगी ही, इसके अलावा यहाँ और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष बनना आसान बात नहीं होती है। हार्दिक, कल की जो बैठक है वो नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक होगी। दरअसल हाँ। इस बैठक में कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया जाने वाला, लेकिन इतना जरूर है कि जो ऑब्जर्वर हैं भूपेंद्र हुड्डा, मुकुल वासनिक, मधुसूदन मिस्त्री, शकील अहमद, वो आएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे। और एक संभावना इसकी है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी कोई विचार कर रही है तो विधायकों से रायशुमारी की जा सकती है, नाम लिया जा सकता है कि किस नाम को, किस चेहरे को वो विधायक दल के नेता के रूप में पसंद करेंगे नेता प्रतिपक्ष के लिए। हालांकि ये अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि पहली बैठक है, पहली बैठक में आलाकमान का संदेश दिया जाएगा, सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई शुभकामनाएं दी जाएंगी। ये बात सही है कि पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन जो विधायक जीते हैं उनका मनोबल बनाए रखना, आगे के लिए तैयारी करना और लोकसभा चुनाव में जुटने के लिए विधायकों को सक्रिय बनाए रखना, इन सब चीजों पर पार्टी फोकस करेगी। और पार्टी विधायकों की बातचीत का, विधायकों के नजरिए का और इस राय शुमारी का रिपोर्ट, फीडबैक पार्टी आलाकमान को देगी और पार्टी आलाकमान आगे जो निर्देश देंगे उसके हिसाब से विधायक दल को भी निर्देश दिए जाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कब चुना जाएगा। तो शशि मोहन, फिर हार पर मंथन करने के लिए हो सकता है अलग से कोई बैठक हो, क्योंकि ये तो जीत कर आए हैं और जीते हुए विधायकों का मनोबल बढ़ाना भी अपने आप में बहुत जरूरी बात है। और ठीक है, हार हुई तो हुई लेकिन जो जीते हैं वो उत्साहित रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।